जिला दंडाधिकारी ने सरकार द्वारा आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला के सभी धार्मिक स्थलों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न धार्मिक स्थलों के तहत भारी भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, लेकिन मंदिरों में पुजारियों द्वारा पूजा अर्चना का कार्य यथावत चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ वेब कास्टिंग के माध्यम से इन मंदिरों की सुबह शाम की आरती लाइव प्रसारित की जाएगी, जबकि नवरात्रों के दौरान अष्टमी व नवमी के दिन मंदिरों के तहत आरती व अन्य कार्यक्रम को पूरे दिन लाइव दिखाया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभी 14 छात्रावासों को विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार खाली करवा दिया गया है। अथॉरिटी का जो एक्ट है वो सेक्शन 34 है, उसके अंतर्गत व्यापक ऑर्डर्स इशू किए हैं, जिसके अंतर्गत जो है एक तो मंदिर जो है कि पूरे ज़िले में इनको जो है बंद कर दिया गया है, जितने अन्य रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं इनको जो है बंद कर दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर्स। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको अभी उल्लेख किया, स्कूल्स जो है हमारे बंद हो गए हैं, जितने जिमनेजियम्स और जितने हमारे स्पास और इस प्रकार की जहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हमने बंद कर दिया। साथ ही साथ बैंकों को मैंने कड़े निर्देश दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक का फुटफॉल काफ़ी रहता है, कि सैनिटाइज इनको प्रॉपरली करें, और जितने भी एटीएम्स हैं क्योंकि वहाँ पर आपके अपनी उंगली का आप यूज़ करते हैं तो उनको भी जो है नियमित रूप से आप जो है उनको सैनिटाइज करते रहें।